नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं वो दी जाती हैं, और एक विद्यार्थी जीवन को लेकर जो भी महत्वपूर्ण तैयारियाँ हो सकती हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर हो सकती हैं, वो इस चैनल पर कराई जाती हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सभी स्टूडेंट्स को देनी है, वो ये है कि आज हमारे बीच में एक मैम आपको एक लेक्चर पढ़ाएंगी जो कि मैथ्स रिलेटेड हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो सुपर टेट है, जैसे कि आपका टीचिंग लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, सुपर टेट है, टेट है, आपके रीट एग्ज़ाम है, या अन्य कई जो टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम हैं, उनके लिए मैम आपको कुछ टॉपिक पढ़ाएंगी। और टॉपिक को ध्यान से समझना है दोस्तों, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उस टॉपिक को ध्यान से समझें। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस एजुकेशन। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर में अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपना सेशन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 250। यानी कि हमें क्या करना है, 250 के जितने भी धनात्मक भाजक होते हैं उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब अगर हम 250 का इस तरीके से निकालने जाएंगे कि 250 के कितने फैक्टर्स होंगे और उन सबका टोटल करना चाहेंगे, तो ये तो बहुत अपने आप में चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो देखो, इसके लिए आज हम देखने वाले एक छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी ट्रिक। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 250 के हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम कर लेंगे यहाँ पर गुणनखंड। तो देखिए, जब हमने गुणनखंड करा इसका, तो ये जाएगा हमारे पास 25 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 से 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 से 1 टाइम। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। अब 250 को जब हमने प्राइम फैक्टर कर लिया है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। इतना हम सबको पता है, हम सब ने पहले देखा हुआ है। लेकिन अब इसके आगे की चीज़ जो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होगी, उसे ध्यान से देखिए। देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 की पावर 1 + 2 की पावर 0। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। फिर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 + 5 की पावर 2 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 0। बस हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उनकी जो भी पावर रही हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पावर को एक एक कम करते हुए हमें जीरो तक लेकर जाना है। और हम कर देंगे अब इसको सिंपली सॉल्व। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम जानते हैं वो हो जाता है 1। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये 125, ये 25, ये 5, और ये आ चुका है हमारे पास 1। अब सिंपली आप इन सब नंबर्स को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद हम कर देंगे इनको मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 150 और ये हो गया हमारे पास 156। अब बस सिंपली हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, 16 और 3 × 1 = 3, 4। यानी कि जो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, वो आ चुका है 468। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 250 के कितने हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, उनका हमें क्या याद करना था, सम बताना था कि उन सबका सम क्या होगा, तो उन सबका सम हो जाएगा 468। अभी तो देखो मैंने आपको समझाया है, मैं साथ साथ में लिख भी रही हूँ, तो मुझे शायद 10 से 15 सेकंड लगे हैं। अगर एक बार हमें ये क्वेश्चन करना आ जाएगा तो हार्डली हमें 5 ही सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसी तरीके से देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि अब आ चुका है स्क्रीन पर हमारा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में निकालना हमें क्या है, HCF। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मैम ने पता नहीं क्या ले लिया है ना, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सिखाना चाहती हूँ कि आखिर HCF और LCM वाले क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से और कितना शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, वो आप इन 3 नंबर से सीख पाओगे। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 56, 132 और 148 का हमें क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है, यानी कि मैसे ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने शायद ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी, आज जो हम ट्रिक यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारी एक डिफरेंस की ट्रिक। देखो, जब भी आपके पास नंबर्स दिए हुए हों HCF के, चाहे वो दुनिया के कैसे भी नंबर हों, दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े नंबर हों, आपको सिर्फ क्या करना है, उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। अब बात आती है कि मैं इनमें से कौन से नंबर्स का डिफरेंस लूँ, तो ध्यान रखना जो नंबर अपने आसपास हैं
ठीक है, एक दूसरे के आसपास है, उनका हम डिफरेंस लेंगे, क्योंकि जितना हमारा डिफरेंस कम आएगा उतनी ही हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। लेने को तो मैं इन दोनों का भी ले सकती हूँ, ठीक है, फिर मैं इन दोनों का भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों का नहीं लूँगी। मैं किन दोनों का डिफरेंस लूँगी? 132 का और 148 का, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम आएगा। और कितना? 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा, ये 4 में से 3 गया, ये आ गया हमारे पास 1, यानी कि ये आ चुका है हमारा डिफरेंस। अब देखो, बस हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो डिफरेंस आया है मेरे पास, क्या ये इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है? बस आप ये चेक करिए। तो जैसे कि मुझे पहला ही नंबर पता चल रहा है 56, 56 तो 16 की टेबल में नहीं आता, यानी कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों के करने हैं फैक्टर्स, ठीक है। ये जो नंबर हमने करा है इसके हमें कर लेंगे फैक्टर्स। अब जो हमारा बड़े से बड़ा नंबर है, पहले हम उससे चेक करेंगे। क्यों बड़े से नंबर से चेक करेंगे? क्योंकि हमारे HCF का मतलब ही क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि हमें क्या नंबर चेक करना है? बड़े से बड़ा नंबर चेक करना है। अब जैसे कि जब मैं इसको 8 से चेक करूंगी स्टूडेंट्स, तो 8 से तो मुझे पता है 56 जा रहा है। फिर हम चेक करेंगे किसको? 132 को। तो देखो, जब 132 को हमने चेक करा तो ये जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 52 नहीं आता, यानी कि ये जो 8 है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे 4 से चेक। तो ये तो नंबर हमारा हो रहा है डिवाइड, हमें दिख रहा है। अब 4 से भी ये नंबर हो रहा है डिवाइड, ये भी हमें दिख गया। और 48 भी होता है डिवाइड, ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि ये 4 की डिविजिबिलिटी हमें पता है क्या होती है, लास्ट के 10 दो नंबर हमें चेक करने होते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास आंसर बन चुका है स्टूडेंट्स, ये बन चुका है हमारा HCF। तो अब चाहे आपके पास दुनिया का कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, सिंपली 1 से 2 स्टेप या 3 स्टेप में इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो है ना मज़ेदार ट्रिक, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, और सिंपली हमारा आंसर इतने आसान तरीके से आ भी गया। इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक संख्या दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि चेक करके बताइए कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब देखिए, जैसे कि संख्या है हमारे पास 432693312, ये है हमारे पास संख्या। अब देखो, बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ आपको 7 का, क्योंकि आपको और सारे डिविजिबिलिटी तो याद हो जाती हैं, लेकिन मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है 7 की डिविजिबिलिटी में, ठीक है। तो देखो, आज वो आपकी दिक्कत बिल्कुल सॉल्व होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इन नंबर्स को 3-3 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है इस तरीके से, ठीक है जी। 3-3 के ग्रुप्स में, अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे 3-3 के ग्रुप में पीछे से हम बांटना इनको शुरू कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अल्टरनेट पेयर है हमारे, अल्टरनेट, ठीक है, एक छोड़ के एक, हम इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये आएगा 4, ये आया 4 और ये आया 7। अब देखो, ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आया और जो बचा हुआ है उसको हम कर देंगे माइनस। तो ये आया हमारे पास 1, ये आएगा हमारे पास 14 में से 9 गया 5, ठीक है। अब ये जो आपके पास बनाया ना आंसर, बस इसी को चेक कर लो कि क्या ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 51, जैसा कि हम जानते हैं कि 7 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने 7 की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन चेक कर लिया बिना किसी बहुत ज़्यादा एक हार्ड एंड टफ कैलकुलेशन के। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिया हुआ है कि हमें जो गिवन नंबर्स हैं, गिवन फ्रैक्शंस हैं, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है, जिसका मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। और देखो, ये भी हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी भी छोटे लेवल के एग्जाम से लेकर बड़े लेवल तक के एग्जाम से पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम इसका एक बहुत ईजी तरीका देखने वाले हैं। जैसे कि फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं 51/57, उसके बाद दिया हुआ है 23/26, फिर हमें दिया हुआ है 31/35, और इसके बाद हमें दिया हुआ है 89/101। ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन। और देखो, इस मेथड को सीखने के बाद, ठीक है, अब चाहे आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, चाहे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाए, और चाहे वो आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा नंबर बता दो या सबसे छोटा नंबर बता दो, ये चारों क्वेश्चन आपको इसी एक मेथड से समझ में आ जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। देखो, ध्यान से देखना बोर्ड पे कि मैं क्या कर रही हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स का लेना है डिफरेंस। तो मैंने इनका लिया 6, इनका लिया तो 3 आया, इनका लिया तो 4 आया, और इनका लिया तो ये आएगा 12। अब देखो, ये जो डिफरेंस आया ना, इनको इन नंबर्स के लिख लो नीचे, ठीक है जी। डिनोमिनेटर हट जाएगा, यानी कि जो हमारा
हर वाला पार्ट है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये जो डिफरेंस हमने निकाला। अब इन चारों नंबर्स का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो वो क्या आएगा, 12 आएगा। तो उस 12 से कर दीजिए इन सबको गुणा, इस तरीके से इन सारे भिन्नों को हम 12 से गुणा कर देंगे। जब 12 से गुणा करेंगे तो 51 × 2 ये आएगा हमारे पास 2, ये आएगा हमारे पास 4, ये आएगा हमारे पास 3 और ये आएगा 89 × 1। अब देखिए 2 ये आया 102, ये आया हमारे पास 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 = 92, ये आया 393, ये आया हमारे पास 89। अब देखो अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अब चाहे वो हमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछे, चाहे हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, चाहे छोटा पूछ ले चाहे बड़ा पूछ ले, चारों हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन सा फ्रैक्शन आएगा। तो अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें समझ में आ चुका है कि सबसे जो बड़ी भिन्न है यानी कि हमें छोटे से बड़े में लगाना है, तो सबसे छोटी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, 89/101, फिर हमारे पास आ जाएगा 23/26, फिर आएगा हमारे पास 31/35 और सबसे बड़ा आ जाएगा हमारे पास 51/57। ठीक है जी, बहुत इजी तरीका बिल्कुल, और मतलब एक आप क्या इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए कि अगर एक ही मेथड से हम अपने 4-5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं इसी तरीके से अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, द रिडक्शन ऑफ ₹12 इन द SP ऑफ एन आर्टिकल विल चेंज 5% गेन इनटू 2.5% लॉस, द CP ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, मतलब उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यदि हम अपने विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी करते हैं तो किसी वस्तु पर जो पहले हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा था वहीं उस वस्तु पर हमें 2.5% का लॉस होने लगता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या बताना है, उस वस्तु का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो हम सब जानते हैं कि CP और SP हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुल एकदम हॉट टॉपिक। ठीक है, हर एग्जाम में चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें ये पूछा ही पूछा जाता है। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक, जिसे मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आने वाला है। तो देखो ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको CP निकालना हो यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना हो और आपको दो चीज़ें दी हुई हूँ, एक आपको दिया हुआ हो प्रॉफिट और एक आपको दिया हुआ हो लॉस परसेंट। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज भी हो सकती हैं, मतलब अगर आपको लॉस परसेंट पहले दिया हुआ है या प्रॉफिट परसेंट बाद में दिया हुआ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं इतना कह रही हूँ आपसे, आपको ये ध्यान रखना है कि एक चीज़ प्रॉफिट में है और एक चीज़ लॉस में है। तो देखिए प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमें 5% और जो लॉस है वो हमें दिया हुआ है 2.5%। ध्यान रखना जब ये दोनों चीज़ें अपोजिट होंगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम ले लेंगे एक एडिशन। तो देखो 5 और 2.5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता है कि ये आ जाएगा 7.5%। ठीक है, और देखो ये जो 7.5% है ना स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है ये दिया हुआ है हमें 12 रुपीज़ के बराबर। ठीक है जी, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे चेंज, तो 15/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखिए सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये जाएगा 3 से 5 times, ये गया हमारा 3 से 4 times, तो ये आ गया कि 5% किसके बराबर है, ये 2 चला जाएगा ऊपर यानी कि 8 रुपीज़ के बराबर। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास CP SP का क्वेश्चन आता है तो हम CP की वैल्यू यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो अगर मेरे पास 5% की वैल्यू आ चुकी है तो क्या मैं यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। मुझे इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, यहाँ पे 20 की, तो यहाँ पर भी हम कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की, और जैसे ही हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 160 रुपीज़। ठीक है जी, यानी कि उस वस्तु का जो हमारे पास क्रय मूल्य था वो आ चुका है हमारे पास 160 रुपीज़। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं यानी कि प्रॉफिट में और एक लॉस में, तो उस केस में हमेशा ऐड करके इसको उस वैल्यू के बराबर रख दीजिए जितने का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है या हमारे पास गेन हो रहा है। देखो यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती थी, या तो उसे रिडक्शन करना पड़ेगा या उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट से लॉस की तरफ जा रहा था तो हमें चीज़ों को घटाना पड़ा। लेकिन अगर हम चीज़ों में प्रॉफिट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने इस मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है टोटली क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मेथड आपका यही रहने वाला है। तो आप सोच के देखिए इस एक मेथड से आप कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, यहीं पर ये क्वेश्चन मुझे लगा है कि आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे सारी की सारी चीज़ें, और ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आई होंगी।
सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके की और शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमारे चैनल यानी कि प्रगति मंत्र को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लगातार आपके लिए इसी तरह के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। और हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें, अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मैम का लेक्चर? तो आशा करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ के साथ मैं ये भी आपको एक सूचना दे देता हूँ कि आप ये बात सभी लोग जानते होंगे कि YouTube पर ज़्यादातर जो वीडियो हैं या ज़्यादातर वीडियो क्लास हैं टीचिंग से संबंधित, वो ज़्यादातर पेड क्लासों में दी जाती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि बहुत से YouTube चैनल ऐसे भी हैं जो बिना पेड केवल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पर ऐसी ऐसी शिक्षाएँ दे रहे हैं जो कि आमतौर पर पेड क्लासों में भी देखने को नहीं मिलती है। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बताता हूँ कि मैम के चैनल का नाम है प्रगति मंत्रा, जो कि यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हैं। तो टीचिंग से संबंधित जो भी आपकी तैयारी है, चाहे आप सुपर टेट की कर रहे हों, चाहे आप टेट की कर रहे हों, चाहे आप रीट की कर रहे हों, चाहे आप एच टेट की कर रहे हों, तो किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए आप उस चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर प्रगति मंत्रा को सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद मैम के चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार टीचिंग से संबंधित वीडियो क्लास फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वहां पर अपनी क्लासों का आनंद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।